एक शख्स बाजार में सदा लगा रहा था कि गधा ले लो, गधा ले लो। गधा इंतहाई कमजोर और लागर किस्म का था। वहां से बादशाह अपने वजीर के साथ गुजर हुआ। बादशाह वजीर के साथ गधे के पास आया और पूछा कि कितने का बेच रहे हो। उसने कहा, आलीजा 50,000 का। बादशाह हैरान होते हुए, इतना महंगा गधा, इसी क्या खासियत है इसमें? वो कहने लगा, हुजूर, जो भी इस पर बैठता है उसको मक्का और मदीना दिखाई देने लगता है। बादशाह को यकीन ना आया और कहने लगा, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम 1,00,000 का खरीद लेंगे, लेकिन अगर झूठ हुई तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। साथी वजीर को कहा, किस पर बैठो और बताओ कि क्या दिखता है। वजीर बैठने लगा तो गधे वाले ने कहा, जनाब, मक्का मदीना किसी गुनाहगार इंसान को दिखाई नहीं देता। वजीर, हम गुनाहगार नहीं, हटो सामने से, और गधे पर बैठ गया, लेकिन उसको कुछ दिखाई ना दिया। अब सोच में पड़ गया कि अगर सच कह दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो बहुत बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि वजीर तो बहुत गुनाहगार है। चुनाचे अचानक चलाया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नजारा है मक्का मदीने का। बादशाह ने तजस्सुस में कहा, हटो, जल्दी हमें भी देखने दो, और खुद गधे पर बैठ गया। दिखाई तो उसे भी कुछ ना दिया, लेकिन सुल्तान जमूर की शान को मद्देनजर रखते हुए आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह, सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत का क्या नजारा है, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। मेरा वजीर मुझ जितना नेक नहीं था, उसे सिर्फ मक्का मदीना दिखाई दिया, मुझे तो साथ साथ में जन्नत भी दिखाई दे रही है। बादशाह के उतरते ही अवाम गधे पर टूट पड़ी। कोई छूने की कोशिश कर रहा है, कोई चुमने की कोशिश कर रहा है, कोई गधे के बाल काट कर मुतबरक के तौर पर रखने की कोशिश करने लगा, कोई इसके पांव में गिरने लगा, कोई इसके पांव छूने लगा, तो कोई इसकी दुम को जिस्म पर फेरने लगा। यहां तक कि कुछ अरसे बाद उस गधे का वहां पे मजार बन गया और लोग वहां जाकर सजदों में गिरते और गधे से अपने मन्नते मनवाते। प्यारे भाई और दोस्तों, बात गौरे फिक्र है, यही हाल हमारे इस मुआशरे का है कि आज हमने अल्लाह पाक को छोड़ दिया है। हम अल्लाह से मांगने के बजाय पत्थरों और मजारों पर जाकर सजदे करते हैं और उनसे मांगते हैं। प्यारे भाई और दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई पत्थर इंसान को कुछ दे सकता है? पत्थर तो खुद एक अल्लाह की बजाई हुई बेजान सी चीज है, वो क्या इंसान को देगा? और इंसान जो फौत हो चुका है, जो खुद अल्लाह के रहम का मोहताज है, वो क्या हमारी मदद फरमाएगा? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस आयत से यह बात साफ जाहिर होती है कि अल्लाह के सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता और हमें अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।